हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज ब्लॉग वाला वीडियो नहीं है एंड मैंने एक साइकिल ऑर्डर किया था, सो वो साइकिल आ चुका है, पूरा बॉक्स पैक है और मुझे लगा था असेंबल आएगा, मगर असेंबल आया पूरे बॉक्स के अंदर। मैं आपको अभी खोल के दिखाता हूँ और अनबॉक्सिंग करेंगे हम आज मेरे साइकिल का, और असेंबल भी करना है। सो देखते हैं क्या क्या मिलता है साइकिल के अंदर। सो गाइस, जैसे लाइक मेरा साइकिल डिलीवर हुआ वो आप देख सकते हो, पूरे बॉक्स में पैक करके आया था। मैंने सोचा था कि लाइक वो पूरा असेंबल होके आएगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं और पूरा असेंबल मुझे ही करना पड़ा था। एंड जब ये साइकिल में लाइक बॉक्स खोल रहा था ना, तो अच्छे से खोला इसको पूरा फाड़ फाड़ के और बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो पूरे बोरी में पैक होके आया हुआ है। और उसके बाद मैंने ट्राई किया कि हाथ से खोल लूँ, वो हुआ नहीं। सो मैं किचन से जाके चाकू लेके आया एंड जस्ट ओपन किया उसको, अगर पूरे बोरी को काट दिया तो दूसरा ऑप्शन तो था ही नहीं, बोरे और यूज़ होने वाला भी नहीं था। एंड ऐसे निकाला तो साइकिल अच्छी खासी पैक थी एंड जस्ट इमेजिन किया कि क्या करूँ इसका अभी। और जो प्लस पॉइंट था ना, प्लस क्या माइनस पॉइंट था, उन लोगों ने टूल्स वगैरह कुछ दिए ही नहीं थे साइकिल असेंबल करने के लिए। जैसे मैं साइकिल खोलते पूरा साइकिल खोलने के बाद असेंबल करने की सोची, तो टूल्स तो है ही नहीं, मैं पूरा डब्बे में बॉक्स में वही देख रहा था, टूल्स है कि नहीं है, कुछ भी नहीं था। और फिर टेंशन हो गया था कैसे असेंबल करूँ। सो हमारे फ्लैट पे एक बाजू में एक बंदे का साइकिल था, उसको पूछा तो उसने बोला हाँ है, और उसने दे दिया मुझे टूल्स वगैरह। तब तक फिक्स कर रहा था ना, और उतना ज़्यादा पंगा हो, मुझे ऑलमोस्ट 2 या 2.5 घंटे लग गए इतना सही साइकिल फिक्स करने के लिए। कुछ दिमाग में काम ही नहीं कर रहा था, क्या करूँ, ये सी पीस वो पीस, और प्लस में यूट्यूब में भी देख रहा कैसे फिक्स करते, और ये एक्स्ट्रा बोल्ट्स वगैरह हो गया और दूसरा बहुत सारी चीज़ एक्स्ट्रा थी। और जो आप अभी मैं स्टेयरिंग खोल रहा हूँ ना, पता नहीं मैंने क्यों खोला, उसका कुछ ज़रूरत भी था भी नहीं खोलने के लिए, मैं ऐसे ही खोल दिया। मुझे लगा ऐसे कुछ लाइक थोड़ा स्टेयरिंग व्हील लंबा करने के लिए रॉड जाएगा, मगर स्टेयरिंग तो उतना ही था, छोटा ही था, डाउन था। सो उसको मैंने फिर सेट किया, और जब मैंने सेट भी किया ना, और ऊपर से वो हो गया, क्या बोलते हैं, टेढ़ा सेट हो गया था उस टाइम में, फिर बाद में मैंने फिक्स किया था। और ये देख रहे हो ना, मैं डिस्क ब्रेक लगा रहा था, मैं 2-3 बार ऊपर उधर इधर उधर उधर कर करके किया था। दिमाग खराब हो गया था, साइकिल असेंबल करना बहुत मुश्किल काम है यार, मैं तो पागल ही हो गया था। कभी इधर से डाल रहा, कभी उधर से डाल रहा, कभी टाइट कर रहा, नहीं हो रहे हैं। एंड ना सबसे बड़ी बात, जो ये साइकिल जो फ्रंट व्हील था उसके अंदर एक अलग सा वो हो जाता था, स्प्रिंग जैसा कुछ था, एंड वो उसका मैं बोल्ट खोल रहा था, जब वो व्हील का ही बोल्ट होता है वो खोल रहा था, वो वही नहीं रहता। उन्हें फिर दिमाग, फिर यूट्यूब में चेक किया मैंने क्या करते, फिर बड़ी मुश्किल से सेट किया था उसको, दिमाग ख़राब। एंड सेट करते करते लाइक ऑलमोस्ट मैंने 4 बजे शुरू किया था, 6 या 6:30 7 बजे के बीच में कुछ ख़त्म किया था। इसका सीट्स वगैरह लगाए, थोड़ा देखा, अच्छा लुक अच्छा था, ब्लू और नियन कलर था, सीट भी देख सकते कितना अच्छा लग रहा था, लाइक होता कूल कूल साइकिल थी, और इतना मज़ा आ रहा था। सीट वगैरह मैंने टाइट किया, सब कुछ सेटअप किया, एंड प्लस मुझे इसका हेलमेट लेना था, क्योंकि आप यूएई में जब रहते हैं आपको लाइक साइकिल वगैरह साइकिलिंग या कुछ भी चलाना होता है, आपको पूरा सेफ्टी का फॉलो करना होता है, जैसे मैं हेलमेट वगैरह, सेफ्टी जैकेट्स वगैरह हो गया, और साइकिल्स पे लाइट्स ये सब लेने जाना भी था। मैं सोच रहा हूँ जल्दी ख़त्म करके निकलूँ। और जो आप ये टूल्स वगैरह देख रहे हो ना, कुछ मैंने वॉचमैन से लिए, कुछ बाजू वाले रूम से लिए, ये सब था। इतना दिमाग, इतना मज़ा आया, मैं दिमाग भी ख़राब हुआ प्लस मज़ा भी आया। पूरा 2-3 घंटा निकल गया था ना, छुट्टी ऐसे ही चली गई थी उस दिन, तो वैसे साइकिल देख देख के। और उसके बाद बस अच्छे से सेट हुआ एंड रात को मैं राइड पे गया था, आप देख सकते हो मेरा साइकिल का फाइनल लुक। एंजॉय एंड गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, यू विल सी मोर लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट वीडियोज एंड ऑल। एंजॉय।